इसमें एनएफएस एनएफएस ठीक है सूर्य मैथिल साहब, ये बड़े बड़े दलों की चुप्पी ये क्या दिखा रही है? ना समर्थन जता रहे हैं ना विरोध जता रहे हैं। धन्यवाद पूजा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। थोड़ा इको हो रहा है, पीसीआर को बोलिएगा ठीक करें। ठीक है, मैं ठीक कराती हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, अभी मैंने सतीश प्रकाश जी को सुना और सतीश प्रकाश जी ने एक बहुत लंबी स्पीच दी। वो ये बताने के भरसक प्रयास कर रहे थे कि जो आदेश आया है ना, इससे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इससे आरक्षित वर्ग जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, शायद सतीश प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ है, दलित नेता है, दलित चिंतक है बहुत बड़े, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो दलित आरक्षण के नाम पर एक क्रीमी लेयर ने एक मोटी परत जमा दी है देश के दलित समाज के ऊपर, जैसे इस पृथ्वी के ऊपर ओजोन है, उसी प्रकार से दलित समाज के ऊपर एक क्रीमी लेयर जमा दी है। और उस क्रीमी लेयर को भेदना, जो ग्रास रूट लेवल का मेरा दलित भाई है, उसके लिए बिल्कुल भी सामर्थ्यवान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं पूजा जी, ये जो आदेश आया है, इस आदेश के अंदर कहीं पर भी आरक्षण को समाप्त करने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, और ना ही किसी भी एससी एसटी के जो राइट्स हैं उनको खत्म करने का प्रावधान है। इसके अंदर केवल आर्थिक मायनों में जो आर्थिक लाभ आरक्षण से होता है, जो कोटे से वो एडमिशन लेते हैं या नौकरियां प्राप्त करते हैं, केवल उसी में सब कैटेगरी बनाने की बात की है। यदि कोई मान और सम्मान के संग किसी भी दलित के खिलवाड़ करेगा तो जो एससी एसटी कानून है उसके उसी के आधार पर कार्रवाई, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, कोई सांसद हो, यदि उसके संग भी कोई मिसबिहेव होता है तो उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पर जो सब कैटेगरी बनती है, यदि तो मेरा, मैं एक नाम कोट कर रहा हूं, मेरा राजेश जो मेरे ही क्षेत्र का रहने वाला है और वो एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी है, वो मैला कूड़ा धोने वाला मेरा भाई है, उसका बच्चा अब चाहेगा, अगर सब कैटेगरी बन जाती है तो वो भी आईएएस आईपीएस कर पाएगा, क्योंकि जो सीटों पे ऑलरेडी पहले से सेटिंग और गेटिंग से ये जो क्रीमी लेयर के आईएएस आईपीएस दलित है, उन लोगों ने कब्जा जमा रखा है, उसको साफ करने तो अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करते भाई? तो अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते? कांग्रेस की अगर आप बात कर लें, जातीय जनगणना चाहती है, लेकिन आज मेरे पैनल में ही देखिए, ना बीजेपी से कोई है ना कांग्रेस से कोई प्रवक्ता। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पूजा जी, सरकार आदेश आया है उस पर काम शुरू करेगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जो लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कौन जात हो भाई की बात करते हैं, आज उनके मुंह में दही जम गया। और कारण ये है कि चाहे सतीश प्रकाश जी की पार्टी पूर्व में बीएसपी है वो चिल्लाने लग गई, चाहे मैं रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि जब 370 नहीं हटी थी और जम्मू कश्मीर के अंदर दलित भाइयों को आरक्षण नहीं मिला था, तब इन लोगों ने हायतोबा नहीं मचाई थी। आज इनकी दुकान बंद हो जाएगी, ये जितने भी क्रीमी लेयर दलित है ना, जवाब दीजिए कुमार सौरभ, क्रीमी लेयर को लेकर सवाल उठा रहे चिराग पासवान भी नहीं होना चाहिए, कह रहे सूर्य मैथिल दुकान बंद हो जाएगी।